तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों की जो SMS कॉलेज की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आप लोगों की जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, टॉप जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी क्या रहने वाली है, जो 2021 में जो गवर्नमेंट कॉलेज खुले थे उनकी क्या रहने वाली है, इसके बाद में नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज की क्या रहने वाली है, फीस का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है गवर्नमेंट में प्राइवेट में, और हॉस्टल की क्या क्या फीस रहने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज, पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट हमसे काउंसलिंग करवाना चाहता है, रजिस्ट्रेशन हमारे पास में अभी ऑलरेडी जो है 145 हो चुके हैं। 150 का हमारा टारगेट था, 5 स्टूडेंट बच रहे हैं, तो जल्दी से करवा लो आप, वरना फिर फीस जो है बढ़ जाएगी रजिस्ट्रेशन की, है ना। 500 रुपये फीस हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे ही व्हाट्सएप पे आपको मैसेज मिलेगा 500 का, तो ये लगा लेना कि ये जो है आप लोगों के 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के हो चुके हैं, है ना। तो अभी जिनको 300 रुपये दिखाई दे रहा है वो फटाफट से करवा लो, ठीक है ना। तो जिन भी स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करवाना है 9828306559 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर पे नंबर है, यहाँ जाकर मैसेज कर दो कि भैया हमें काउंसलिंग करवानी है, रजिस्ट्रेशन हमारा कर लीजिए फटाफट से। तो 300 रुपये का आप लोगों को पेमेंट करना है और आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा लो फटाफट से, ठीक है ना। तो जिन्होंने नहीं करवाया ना जल्दी से जाकर करवा लो भाई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे क्या कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो देखो, कट ऑफ की बात कर लेते हैं, SMS कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अगर अनरिजर्व कैटेगरी है 86 प्लस है बॉयज़ है तो मिल जाएगी, गर्ल्स है 85 प्लस तो मिल जाएगी, OBC है 88 प्लस है तो मिल जाएगी, अगर 85 प्लस है तो जो है मिल जाएगी गर्ल्स को। EWS में बॉयज़ है 85 प्लस है, 85 प्लस है गर्ल्स, तो दोनों को मिल जाएगी। SC ST की बात करूँ 80 प्लस अगर आप कोई गर्ल्स है उसके सॉरी बॉयज़ के नंबर आ रहे हैं तो मिल जाएगी, और 80 प्लस नंबर अगर किसी गर्ल्स के आ रहे हैं तो उसको SMS कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है ना। ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे हम बात कर लेते हैं टॉप जो है गवर्नमेंट कॉलेज की। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जनरल की, OBC की, EWS की और SC ST की, जनरल में 80 प्लस हैं तो मिल जाएगा, OBC में 78 से और 80 के बीच में हैं, फिर चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो अगर आपके आ रहे हैं तो आप लोगों को जो है कॉलेज मिल जाएगी। EWS की अगर मैं बात करूँ 75 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर जो है कॉलेज मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको जो है दिलवा देंगे, ठीक है ना। SC ST की बात करें तो 70 प्लस जो है नंबर आपके होने चाहिए तो आप लोगों को जो है मिल जाएगी, ठीक है ना, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर 2021-22 में जो गवर्नमेंट कॉलेज ओपन हुए थे उनकी मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी में 75 प्लस नंबर पर जो है आप लोगों को जो है अनरिजर्व कैटेगरी में मिल जाएगी। OBC में अगर 70 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं तो आप लोगों को मिल जाएगी। EWS में अगर आपके 70 से और 73 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप लोगों को जो है टॉप जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। SC ST की बात करूँ तो 65 प्लस या 65 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप लोगों को, और 62 प्लस भी अगर आपके आ रहे हैं तो आप लोगों को जो है जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल जाएगी, ठीक है ना। टॉप तो नहीं, खैर 2021-22 में जो खुले हैं वो मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ आप लोगों की कि टॉप प्राइवेट कॉलेज कितने क्या पे मिलेगी। तो टॉप प्राइवेट कॉलेज देख लो भाई एक बार फटाफट से। टॉप प्राइवेट कॉलेज जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी को 45 प्लस पे, OBC को 40 प्लस पे, EWS को 40 प्लस पे, SC ST वालों को 35 प्लस पे मिल जाएगी, है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो, ये फर्स्ट राउंड की बता रहा हूँ भाई, सेकंड राउंड थर्ड राउंड में आप लोगों की कट ऑफ और भी कम हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल भी जिनके कम नंबर आए ना उनको टेंशन नहीं करनी है, बस हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा लो, फिर पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी कैसे कि आप लोगों को कॉलेज दिलवानी है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज की, देखो मैं बहुत सारे स्टूडेंट को पहले भी बताऊँ और अभी भी बताऊँगा, बहुत सारे चैनल वाले आएंगे कि हम आपकी फ्री में काउंसलिंग कर रहे हैं, हम आप लोगों को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको वहाँ बोर्ड पे आके समझा के चले जाएंगे, बाद में आप जानो आपका काम जानो, आपको कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है कैसे कॉलेज भरनी है कुछ वो नहीं है, है ना। वो सिर्फ आके बोर्ड पर आप लोगों को समझा जाएंगे कि ऐसे ऐसे करना भाई, ये कॉलेज भर लेना भाई, ये कर लेना वो कर लेना। अब भाई आपको पता ही नहीं है कहाँ जाके करना है कैसे करना है और कैसे होगा, तो फिर क्या ही करोगे आप, है ना। वो आके बता जाएंगे ये साइट है,
यहाँ जाके ये ऐसे करना है वो कर लो। अगर आपने आप पे गलती हो गई, आप पे गलत भर लिया आप लोगों ने, फिर क्या करोगे भाई? हाँ ठीक है ना, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं खुद करूँगा, मेरे मतलब मैं खुद करूँगा आप लोगों की काउंसलिंग, एक एक सीट मैं भरूँगा आप लोगों की, ठीक है ना, एक एक सीट भरूँगा। अब देखो एक एक स्टूडेंट की काउंसलिंग करेंगे हम, एक एक के ना, उसके पास में हम कॉल करेंगे, फिर मैसेज करेंगे, फिर क्या करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स या गर्ल्स ऐसी होती है जो कि भाई ऐसे अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके जो है वो नहीं कर सकती है ना, उनको गवर्नमेंट कॉलेज, उनको प्राइवेट कॉलेज तो दिलवा दिया बट वो कर ही नहीं सकती वहाँ जाके। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे ऐसा जो है एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है पढ़ने का, या फिर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता है कि जो उनके अकॉर्डिंग हो ना, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या करते हैं हम, पहले उनसे हम पूछ लेते हैं कि भाई आप वहाँ जाके कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये भी है हमारे पास में, है ना। तो हम जब भी कॉलेज भरेंगे ना, तब आपके पास में या आपके पेरेंट्स के पास में या जिनके भी नंबर आपने हमें दिए हैं ना, उनके पास में हम कॉल करेंगे कि भाई हम आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं, हम आपकी कॉलेजेस भर रहे हैं, बताओ आपकी क्या चॉइस है, आप कहाँ जाकर कर सकते हैं, आपको कौन सी कॉलेजेस लेनी है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, या फिर आप ऐसे कौन से जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट है या जहाँ आपके फेवरेट हैं, जैसे जयपुर है, जयपुर सबका फेवरेट रहता है कि भाई हमें जयपुर में कहीं पर भी मिल जाए, तो हम पूछ लेते हैं कि जयपुर में भी कौन सी जगह है, कहाँ कौन सी क्या कॉलेज, तो फिर उसके अकॉर्डिंग करते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने हमें पैसे दे दिए, हम हमारे मन के अकॉर्डिंग कुछ भी भर रहे हैं, कहीं पर भी भर रहे हैं, फिर आपको ऐसी जगह कॉलेज मिल रही है जहाँ पर जाके आप कर नहीं सकते, फिर आप पछता रहे हो, तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम आप लोगों के पास में कॉल, मैसेज और कॉन्टैक्ट सब कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखो भाई, ओबीसी की बात करूं 38 प्लस पे मिल जाएगी फर्स्ट राउंड में, ईडब्ल्यूएच की बात करूं तो आप लोगों की जो है 30 प्लस पे मिल जाएगी, और एससी एसटी में 35 प्लस पे आप लोगों के मिल जाएगी, ठीक है ना। बाकी फीस की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो फीस लगती है वो बॉयज़ की लगती है 51,000 रुपये, उसके बाद में गर्ल्स की लगती है 21,000 रुपये, और एससी एसटी के बॉयज़ की कितनी लगती है 21,000 रुपये ही लगती है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ फीस की, प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो है आप लोगों की 95,000 लगेगी, और 95,000 ही आप लोगों की गर्ल्स की लगेगी। हॉस्टल जो है वो अलग अलग है भाई, हॉस्टल की फ़ीस अलग अलग है, अगर आपको अच्छी सुविधाएँ दे रहा है, आपको सारी चीज़ें अच्छी बढ़िया चीज़ें दे रहा है, अलग अलग डेली खाना बन रहा है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि जहाँ आप लोगों की फ़ीस है वो भी ज़्यादा लगेगी। अगर एसी वाले रूम है तो ज़्यादा फीस लगेगी, अगर वहाँ पे और अच्छी सुविधाएं हैं और मतलब कि आरओ का पानी पिला रहे हैं आप लोगों को, सारी चीज़ अच्छी है तो फीस ज़्यादा लगेगी। यहाँ एक एक रूम है छोटा सा है, उसके अंदर ही मतलब 7 दिन लगातार एक ही खाना बन रहा है, रोटी सब्जी। इसके अलावा ना एसी है ना कूलर है, ओनली पंखे हैं, तो जाहिर सी बात है फीस भी कम लगेगी। एक रूम में तीन चार रह रहे हैं तो फीस तो कम लगेगी, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग है ना। तो वो आपको देख लेना कि कैसी क्या फैसिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, बट मैं अंदाज़ा बता देता हूँ 35 से और 40 या 45 तक आप लोगों का जो है पर ईयर का जो आप लोगों का चला जाएगा, ठीक है, आप लोगों के हॉस्टल फीस में, ठीक है। बाकी मैंने फिर बता दिया कि आप लोगों की काउंसलिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बस आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है कि आप हमारे पास में जो है, ये मैं नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर 9828। अरे क्या हुआ भाई, एक मिनट गाइस, एक मिनट, सॉरी। तो ये नंबर सुन लो भैया ना, सभी नंबर सुन लो, 9828306559, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर जाकर आप मुझे मैसेज कर दो कि भैया हमें काउंसलिंग करवानी है, हमारा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए 300 रुपये में, तो फटाफट से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फटाफट से आप लोगों की जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तुरंत आप लोगों के पास में कॉल, मैसेज और अभी आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, सारी सूचना आप लोगों को ग्रुप में मिलती रहेगी। बाकी मैं मिलता हूँ आज आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।